नमस्कार, मैं सरिता राव, आप सभी का स्वागत है स्पेन न्यूज के खास प्रोग्राम सकारात्मक खबर में। सकारात्मक खबर में रोजाना हम आपको राजनीति से जुड़े किस्से आजकल बता रहे हैं, क्योंकि राजनीति को लोग बहुत गंदा मानते हैं, लेकिन उन्हीं राजनीति में से हम आपके लिए कुछ ऐसी पॉजिटिव चीजें लेकर आ रहे हैं जो वाकई बिल्कुल अलग दर्शाती है। और आज हम जिनकी बात करें वो कोई और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिनका नाम है मुलायम सिंह यादव। उनके हाथों में कई सालों तक उत्तर प्रदेश की कमान रही है। उनके बाद 2012 में उन्होंने अपने बेटे के हाथ में उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी, जिनका नाम है अखिलेश यादव, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और युवा नेताओं में उनकी गिनती होती है। महज 38 साल की उम्र में उन्होंने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली थी और देश के ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनकी उम्र सबसे ज्यादा कम थी। आज हम आपको इस सकारात्मक खबर के स्पेशल शो में हम आपको ये बताएंगे कि कैसे साल 2012 में हारने के बाद भी अखिलेश यादव के मुलायम सिंह यादव ने कितना साथ दिया। भले उन्होंने पार्टी को लेकर के बोला है कि विधायक सही से काम नहीं कर रहे हैं, अखिलेश यादव के शासन में राज्य का उतना विकास नहीं हो पाया, लेकिन अगर देखने वाली बात तो यह है कि शिवपाल यादव से अलग होने के बावजूद उन्होंने अपने बेटे का साथ दिया, और यहां तक कि शिवपाल यादव ने अपने भाई का बचपन से ही साथ दिया है, पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलाया। तो इस स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे उन वैसे वैसे लम्हों के बारे में, आपको बताएं कि कब और कैसे अखिलेश यादव का पिता की तरह, एक नेता की तरह, एक गुरु की तरह मुलायम सिंह यादव ने साथ दिया है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने अपने पुत्र यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ एक बार बड़ा बयान दिया था, और इस बयान ने राजनीति गलियारे में हड़कंप मचा दिया था कि आखिर एक पिता अपने बेटे खिलाफ ऐसे कैसे बोल सकता है, वो भी एक ही पार्टी में रह करके। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि पार्टी में, राजनीति में हमेशा परिवारवाद होता है, लेकिन मुलायम सिंह के इस बयान के बाद राजनीति गलियारे में इसलिए हड़कंप मचा क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी पिता ने अपने बेटे पर इस तरीके का बयान दिया था जो कि कटाक्ष है। मुलायम सिंह ने अपने गृह जिले मैनपुरी में पार्टी के कार्यक्रम में अखिलेश के बारे में कहा था कि जो अपने पिता का नहीं हो सका वो किसी का क्या होगा। इस बयान से राजनीति गलियारे से लेकर के सड़क से लेकर के संसद तक परिवार में हड़कंप मच गया था कि आखिर मुलायम सिंह यादव को क्या वाकई अखिलेश यादव वो सम्मान, वो पद, वो हक नहीं दे रहे जिसके हकदार मुलायम सिंह यादव हैं। आखिर मुलायम सिंह यादव को ऐसी कौन सी मजबूरी पड़ गई थी, आखिर वो कौन सी समस्या थी जिसके चलते वो ये शब्द कहने पे मजबूर हो गए कि अखिलेश यादव ने कभी उनके पिता होने का वो सम्मान नहीं उनको दिखाया, वो कभी वो सम्मान नहीं दिया जिसके मुलायम सिंह यादव हकदार हैं। इसलिए उन्होंने सभी भरी सभा में ये कह दिया कि जो अपने पिता का नहीं हो सका वो किसी का क्या होगा। मुलायम यही नहीं रुके, मुलायम ने आगे ये भी कहा था कि चुनाव जीतने पर उन्होंने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया और देश में किसी और नेता ने अब तक ऐसा नहीं किया, लेकिन अखिलेश ने अपने चाचा को ही मंत्रिमंडल से हटा दिया। आपको बता दें कि मुलायम सिंह का ये कहना बिल्कुल सही था कि अभी तक भारतीय राजनीति में भले ही लोग राजनेता बने हैं, भले ही लोग सांसद बने, भले ही लोग विधायक बने, भले ही लोग अपने परिवार की परिवारवाद पार्टी को चला रहे हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ था कि मुलायम सिंह यादव पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने साल 2012 में खुद उत्तर प्रदेश की कमान अपने हाथों में ना लेकर के बेटे अखिलेश यादव के हाथ में कमान सौंपी ताकि उनका बेटा भी राजनीति गलियारे में अच्छे से राजनीति करना सीख जाए और वो कुछ नया करके दिखाए ताकि लोगों और जनता के बीच में वो एक अच्छे राजनेता बन के उभरे। लेकिन अखिलेश यादव ने क्या किया, पार्टी की कमान संभालते ही उन्होंने अपने चाचा और अपने पिता के ही साथ ही दगाबाजी करना शुरू कर दी। इस बात की पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन उड़ती उड़ती खबर जो आई है वो ये है कि उस वक्त में, उस दौर में मंत्रिमंडल पद को लेकर के चाचा, भतीजे और पिता के बीच में कुछ बातें इस कदर हो गई थी कि उस वक्त भी शिवपाल यादव पार्टी का अलग बनाने के लिए खड़े हो चुके थे। वहीं मुलायम ने हाल में ही चुनाव के खराब प्रदर्शन पर ही बात कही थी कि अगर राज्य में अच्छे से प्रदर्शन किया जाता, राज्य में अच्छे से जनता के काम को किया जाता, तो वाकई आज हमारी पार्टी सत्ता में होती। गौरतलब है कि चुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाकर खुद उस पर अपनी ताजपोशी करा ली थी, और इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी बेटे ने अपने पिता के साथ इतनी बड़ी दगाबाजी की थी। क्योंकि अखिलेश यादव अगर आज इस मुकाम पर है तो इसके पीछे मुलायम सिंह का ही हाथ है, ये पार्टी मुलायम सिंह यादव की ही बनाई हुई है, और इस पद के हकदार अगर देखा जाए
तो मुलायम सिंह यादव ही हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही, मुख्यमंत्री की पद की कुर्सी हासिल करते ही अपने पिता को इस पद से दरकिनार कर दिया। साथ ही अखिलेश ने अपनी चाचा शिवपाल यादव को मंत्रिमंडल से तो मुलायम हटाया, साथ ही अमर सिंह को भी पार्टी से निष्कासित कर दिया। और आज के इस दौर में मंत्रिमंडल का विस्तार इस कदर हो चुका है कि पार्टी टूट चुकी है। चाचा शिवपाल ने समाजवादी सेक्युलर पार्टी अलग बना ली है, और इसके पीछे अगर देखा जाए तो पूरा हाथ अखिलेश यादव का ही है। मुलायम तभी से अखिलेश से नाराज चल रहे हैं, इसलिए उन्होंने चुनाव प्रचार से भी खुद को दूर रखा। हालांकि चुनाव के चलते वो अखिलेश के खिलाफ खुलकर कोई बड़ा बयान नहीं दे रहे थे, लेकिन मैनपुरी पहुंचने पर उन्होंने साफ कहा था कि जो अपने पिता का नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा। तो देखा आपने इस स्पेशल रिपोर्ट में, इससे हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें अपने और अपने परिवार से बिल्कुल एकजुट होकर रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपने परिवार से मिले रहेंगे तो दुनिया की और पूरे जहान की चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना, उसका हल बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि परिवार से बड़ा इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। और खासकर अपने माँ बाप का साया हमें हमेशा अपने सर के ऊपर रखना चाहिए, हमेशा अपने माँ बाप के साये में रहना चाहिए, कभी इनके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनको अपनी जिंदगी का तजुर्बा ज़्यादा होता है। क्योंकि हम उतने बड़े नहीं हो गए अपने माँ बाप के सामने कि हम उनसे जबान लड़ा या फिर उनके तजुर्बे को अपने सामने कमा के। इसी तरह हमें अखिलेश और मुलायम सिंह से सीखना है कि किस तरीके से जो पिता और पुत्र का प्रेम है वो वाकई काबिले तारीफ है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए स्पेन 9 न्यूज़।